भाषाओं के ज्ञान के साथ, 26 डिग्रियों के साथ, जब वो शख्स भारत अपने देश लौट कर आता है, तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए एक छत जाति छुपा कर मिलेगी। जब अफसर बनकर बैठा तो कभी कल्पना नहीं की थी कि वहां का चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा और फाइल भी अधीनस्थ होकर के फेंक कर देगा। लेकिन वो रुका नहीं, वो डिगा नहीं, वो हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ लेकिन मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार लेकिन वो इस भारत देश में पे बैक टू सोसाइटी के मिशन को लेकर अड़ा रहा, डिगा रहा और ये समझाने का काम कर दिया कि मैं आया हूं अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए। और जब मौका मिला तो अपनी लेखनी से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया कि वो व्यक्ति जिसने ताउम्र गैर बराबरी झेली, जिसने ताउम्र अपमान झेला, उसने एक दस्तावेज के माध्यम से, अपनी एक लेखनी के माध्यम से सबके लिए सम्मान और समानता लिख दी। लेकिन बड़ा दुख होता है और बहुत बड़ी विडंबना है कि वाई वी आर एबल टू सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन ओनली 2 frames। हम डॉक्टर बी आर अंबेडकर को सिर्फ 2 frames में क्यों देखते हैं, सिर्फ 2 खांचों में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित क्यों कर दिया गया है? ये सोची समझी चाल है। अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर को एक सूट बूट पहने संविधान की किताब को पकड़े हुए उस व्यक्ति को, या सिर्फ संविधान वेदता के रूप में, और या देखा होगा दलितों के नेता और आरक्षण वाले शख्स के रूप में। मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल इस देश की राजनीति, इस देश की सत्ता, इस देश के भविष्य से है कि मुझे बताने का ये काम करिए कि जब जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन सब को जितना हमने सुना, जितना हमने जाना, वो सब के सब जब क्रांति के वाहक हैं, वो सब के सब जब जंगे आजादी के नायक हैं, वो सब के सब जब अखिल भारतीय नेता हैं, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, वो सिर्फ आरक्षण के जनक कैसे हो गए? वो सिर्फ आरक्षण वाले शख्स कैसे हो गए? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि समझ लीजिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को परिभाषित आप आरक्षण वाले शख्स के रूप में नहीं कर सकते। उनका पूरा परिचय होगा समाज शास्त्री डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इस देश की महिलाओं को अधिकार देने वाला डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इस देश की राजनीति पलटने वाला डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इस देश में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देने वाला डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और ऐसे अपने संविधान के रचयिता के सामने बार बार सर झुका के शत शत नमन करती हूं। आपसे ये कहना चाहती हूं कि अगर जब भारत जंगे आजादी की जंजीरें तोड़कर एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने अगर राष्ट्र निर्माण के लिए किसी पे विश्वास किया, देन दैट वॉज ओनली वन डिप्रेस्ड, वन दलित, वन अछूत ऑफ इंडिया, हु वॉज द ओनली एंड द ओनली ऑप्शन, एकमात्र विकल्प था इस देश को एक राष्ट्र बनाने के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये समझ लीजिए कि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी लेखनी से समानता और न्याय लिख दिया हर वर्ग के लिए, लेकिन जब इनको मौका मिला तो इन्होंने आपका दोहन करने के लिए मनुस्मृति लिख दी। आज अगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर होते तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश होते देख आप लोगों से पूछते कि बताओ क्या करना चाहते हो। अगर आज वो होते तो पेरियार डॉक्टर लोहिया के साथ मजबूती से खड़े होकर के एक बहुजन एका खड़ी कर देते। अगर आज वो होते तो फूले को लेकर, सरदार पटेल को लेकर और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की
यात्रा को लेकर के इस देश के पिछड़े समाज से पूछते कि आप अपने देश को और अपने सपनों को कैसे देखते हैं। मैं आपसे अपनी बातों को समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि याद रखिएगा, ये लड़ाई 90 बनाम 10 की है, ये लड़ाई इस देश के कमेरा बनाम लुटेरा की है, और अगर हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया तो खून की नदियां बहा देंगे, और अगर उसके प्रतिकार के लिए मुझे बागी बनना है तो मैं फक्र से कहूंगी कि मैं इस देश की बागी बेटी हूं। और आपसे ये कहना चाहूंगी कि जातिवार जनगणना नहीं होगी तो इस बार गणगणना नहीं होने देंगे, अगर आरक्षण से खिलवाड़ होगा तो विरोध हो जाएगा और मैं बागी बनकर मरना पसंद करूंगी। आप सभी आयोजक मंडल का, आप सभी लोगों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।